अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ मुइन अख्तर, हेड ऑफ कंट्री से जीएफएस बिल्डर एंड डेवलपर। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, मेरी लास्ट वीडियो अगर आपने देखी हो पूरी, तो मैं आपसे कहा था कि इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट जब हम अपना नया काम शुरू करने जाएंगे। तो नाज़रीन, हमारा काम जो इसका चौरंगी का काम था वो शुरू हो चुका है। चलिए आपको दिखाते हैं, इसके अलावा भी जो मज़ीद जो डेवलपमेंट हुई है वो भी आपको दिखाते हैं। नाज़रीन नाज़रीन, ये देखें, ये हमारी चुरंगी का काम स्टार्ट हो चुका है सारा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मिट्टी भी आ चुकी है सारी, डंपर भी लगा हुआ है, और आगे तक अभी हम लोग मज़ीद आगे तक हम लोग जा रहे हैं। डैम देख रहे हैं आप, डैम के ऊपर काम शुरू हमारा होने जा रहा है जल्दी। और हमारे साथ हमारी कंपनी के MD मंसूर भाई साहब भी आए हैं, पूरी टीम आई हुई हमारी कराची के साथ। तो मज़ीद बात करते हैं कि मंसूर भाई साहब आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन देते हैं कि क्या मज़ीद हम आगे काम करने जा रहे हैं। आइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूदा सार्फीन, कस्टमर्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप आज देख रहे हैं, हम अपनी साइट पर इस वक्त हम मौजूद हैं, और ये आप देख सकते हैं कि डेवलपमेंट हमारी जो है वो फुल ज़ोरों शोर से जारी और सारी है। और हमने अपना जो है, आज हम आए हैं यहाँ पर, फर्दर हम डेवलपमेंट प्लान कर रहे हैं, और हमारा जो मेन बुलेवार्ड है उसको भी हम उधर उस लेवल तक हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, और जो पीछे से हमारी लैंड है उधर से भी हम मेन बुलेवार्ड को एक्सटेंड करते हुए हम ये पूरा पैच आर पार करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। और इसके अलावा आने वाले चंद दिनों में और हफ्तों में आपको यहाँ पर और मज़ीद डेवलपमेंट आप देखेंगे, और इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि हम इस हाउसिंग प्रोजेक्ट को एक कामयाब हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाएं। और आप, हम, हमारे जितने भी अलॉटीज़ हैं, आप सबसे एक गुजारिश है कि आप हमारे साथ तआवुन करें ताकि हम इस प्रोजेक्ट को कामयाबी के साथ पाया तकमील तक पहुँचा सकें। और इंशाल्लाह ताला आपके साथ इसी तरह से इंटरेक्शन चलती रहेगी। आप सबकी एक रहनुमाई के लिए हमारी पूरी टीम हमारे ऑफिसेस पर, हमारे साइट पर हर वक्त आपके लिए पेश है। अच्छा बॉस, आपने बताया था कि हम अभी आगे दो घर भी बनाने जा रहे हैं, मॉडल हाउस भी बनाने जा रहे हैं, उसके बारे में क्या बताएंगे आप आवाम को? अब हम ये भी इसमें कर रहे हैं कि देखें, हम एक्सटेंशन अब हम कर रहे हैं हमारी मेन बुलेवार्ड की, ठीक है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमने फर्दर और लैंड भी प्रोक्योर कर ली है, तो वो हम हमारी लैंड एक्सटेंशन हो रही है। इसके अलावा अब हम इधर कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, जबरदस्त सर। मॉडल हमारे बेंगलोर भी हम इधर बना रहे हैं स्टार्ट में ही, और आज हम आए भी इसीलिए हैं कि उस साइट की आइडेंटिफिकेशन भी हो गई है। आप देख सकते हैं हमारी सारी टीम इधर है, मौजूद है। ये हमारे कॉन्ट्रेक्टर हैं फजल भाई, ये हमारे इंजीनियर हैं सोहेल साहब, इसके अलावा हमारी सारी टीम इधर मौजूद है, नासिर भी हैं जी, जी सारी टीम है यहाँ पर, इकराम है, ये हमारे हॉर्टिकल्चर को देख रहे हैं, सारी टीम यहाँ पर आपके लिए हर वक्त मौजूद है। और हमारी कोशिश है इंशाल्लाह ताला इस प्रोजेक्ट को हम जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और हमें अपने एलोटीज, अपने कस्टमर्स का साथ चाहिए। बिल्कुल सर, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, मंसूर साहब अभी हमसे बात कर रहे थे और आपको सारा बताया कि साइट पे क्या कुछ हो चुका है और क्या कुछ होने जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं उवैस साहब, इंजीनियर हैं कि जो पूरा इसको देख रहे हैं, इनसे बात करते हैं। उवैस साहब, थोड़ा सा बताएंगे कुछ मज़ीद आवाम आपको सुनना चाहती है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसे कि आपने देखा कि हमने मेन ब्रिकवर्क को स्टार्ट कर दिया था और इसका राउंड अबाउट पर भी वर्किंग चल रही थी, अब हम मज़ीद इसको एक्सटेंड करने जा रहे हैं। आगे हमारे कुछ ब्रिजेस भी हैं, जैसे आप कैनाल एक चलती हुई देख रहे हैं, लेक बनी हुई है, उसमें कुछ ब्रिजेस भी आ रहे हैं। उसके बाद दोबारा से हमने आगे एक्सटेंड रोड शुरू कर दिया, अगर आप बैक साइड से आएंगे वहाँ से भी आप इसमें एंट्रेंस, मतलब आप ये कह रहे हो कि पीछे से जो हमारा रास्ता आने का वहाँ से भी मशीनरी लगे आ रहे काम शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, मतलब सुना आपने कि पीछे से जो हमारा रास्ता है वहाँ से भी हम लोग इंशाल्लाह काम शुरू करने जा रहे हैं, तो मतलब कि अभी प्रॉपर मतलब स्पीड में फुल स्विंग हमारी डेवलपमेंट स्टार्ट होने जा रही है। इसीलिए आप भी कराची इसीलिए आए हो। एमरजेंसी में नाज़रीन, मंसूर साहब ने वह सबको बुलवाया एमरजेंसी में, पाओ कि जो मज़ीद आगे काम का फर्दर चाल मिल सके, तो वह सब ये माशा कल ही पहुँचे। अच्छा, तो मतलब तो
घर भी बनने जा रहे हैं हमारे, इस वक्त घर भी बनने जा रहे हैं, मेन एंट्रेंस गेट का भी काम बहुत जल्दी हम लोग शुरू कर देंगे। ठीक है, ठीक है, आप इंशाल्लाह देखेंगे एक बहुत बड़ा वसी गेट यहाँ पे नजर आएगा आपको जीएफएस का। अरे माशाल्लाह, ये सुनना चाहती है आवाम भी, ये चाहती है कि वो जो हमारे साथ खड़े हैं, जो लोग हम पे इतना भरोसा करते हैं, उनके लिए बहुत खुश आइंद बात है कि यार काम इतनी स्पीड में हमारा होने जा रहा है। कंस्ट्रक्शन में होता क्या है ना, ये जब लैंड का काम स्टार्ट होता है इसमें अंडर द बॉटम बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज हो रही होती हैं, कलवर डल रही है, सेवरेज है, बहुत सारी चीज़ें, तो लोगों को शायद नजर नहीं आ रहा होता कि इसके बॉटम में क्या है, सब ऊपर से देख रहे होते हैं। आप जो देख रहे हैं ये जितना एक्सटेंड रोड हुआ है इसके नीचे बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें हमें ये टाइम लगा है और ये मजीद। उवैस भाई देखो बात सिर्फ इतनी है यार, हमारी आवाम है थोड़ी सी परेशान है, ठीक है ना, उन्हें हमने बताना है कि यार देखो हम लोग रुक नहीं रहे, हमारा काम रुका नहीं है, हम इधर ही हैं, मौजूद हैं और काम कर रहे हैं, मकसद मासिर इतना है। जो इंफ्रा को समझते हैं वो ये देखेंगे कि हमने कम टाइम के अंदर जो रोड बनाया है और मजीद हम एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ये बहुत कम टाइम के अंदर हमने बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं फजल भाई साहब के, जो पूरी डेवलपमेंट को देखते हैं और करते हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि भाईजान आपने क्या किया इतने टाइम में और मजीद आगे क्या करने जा रहे हो। दो महीने में इंशाल्लाह काम को खिंचवाया, इंशाल्लाह अभी दो ढाई महीने के अंदर हम इंशाल्लाह। आवाम चाहती है, आवाम सुनना चाहती है, आपको भी सुनना चाहते हैं कि बताएं कि मजीद आप आगे काम की चाल क्या करने जा रहे हैं। दो दिन मैंने इंशाल्लाह पूरा आपको नजर आएगा काम, नहीं जो कमिट करेंगे आवाम आपको देख रही है, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे मौजूद क्लाइंट्स, हमारे मौजूद डीलर आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, उनको बताएं कि जो कमिट आपने करेंगे उसको आपने फिर पूरा भी करना है। महीने के अंदर आप तो हब सोसाइटी का शक्ल खुद देखेगी इंशाल्लाह, सब देखेगी इंशाल्लाह। तो आप भाई सब चीज आप देख रहे हैं, जी जी बिल्कुल, चल रही है डेवलपमेंट अंडर ऐसा ही है और डेली अब हमारा काम हो रहा है, डेली माशाल्लाह काम हो रहा है, मशीनरी में भी इंशाल्लाह वो नहीं होगा बिल्कुल, और ये आप देखेंगे बहुत जल्द हम इधर आपको बहुत सारी चीजें आएंगी। अभी इधर एक चौरंगी की भी एक कंस्ट्रक्शन हो रही है और इंशाल्लाह ये चौरंगी जो होगी स्टेट ऑफ द आर्ट होगी। नाज़रीन, इस्लामाबाद की आवाम को एक बहुत बड़ा तोहफा देने जा रहा है जीएफएस, प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं, सोसाइटी बहुत सारी है इस्लामाबाद में, पिंडी में बनती थी, लेकिन इंशाल्लाह जो हमने आपसे वादा किया है आपको दिखाएंगे कि ये पूरा स्टेट ऑफ द आर्ट, मतलब एक ऐसा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है कि जो मैं समझता हूँ कि मैं इस चीज़ का दावा करता हूँ कि इस्लामाबाद में ठीक है, मानते हैं टाइम लग रहा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हर चीज़ में जो है ना वो बेहतरी होती है अल्लाह की, टाइम अच्छी चीज़ में टाइम लगता है। तो इंशाल्लाह नाज़रीन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मैं हूँ मुईन अख्तर, मैं हूँ जीएफएस, थैंक यू।